हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको कुछ सिंपल गाने बजा के सुनाने जा रहा हूँ और बताने जा रहा हूँ जो कि आप ट्रेमोलो पे बजा सकते हैं। बहुत लोगों ने मुझे पूछा है कि आप ऐसे गाने कुछ बताइए जो ट्रेमोलो माउथ ऑर्गन पे आप बजा सकते हैं। तो ट्रेमोलो माउथ ऑर्गन पे देखिए सिर्फ प्योर नोट्स होते हैं, इसमें आपको शार्प और फ्लैट नोट्स नहीं मिलेगा। तो मैं वही सब गाने बता रहा हूँ जिसमें आपको शार्प और फ्लैट नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप प्योर नोट्स ही बजा पाएंगे, यानी कि ट्रेमोलो पर बजा पाएंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे स्लाइडर या क्रोमेटिक हारमोनियम की जरूरत नहीं है। तो लेकिन ये गाने बजाने के लिए आपको पहले सरगम, जो मिडिल ऑक्टेव में सरगम, वो आपको सीख लेना है, लोअर ऑक्टेव में सरगम बजाना सीख लेना है, और हायर ऑक्टेव में, यानी कि देखिए यहाँ से एक से लेकर आठ के बीच में लोअर ऑक्टेव बजता है सरगम, ये आपको सीख लेना है। नाइन से लेकर सिक्सटीन में सरगम बजता है मिडिल ऑक्टेव का, और हायर ऑक्टेव आपका बजता है सत्रह से लेकर चौबीस। ये तीनों ऑक्टेव पे आपको सारे गम पद निशा बजाना जानना चाहिए, उसके बाद इस गाने को आप ट्राई करेंगे तो आप आराम से बजा पाएंगे। ठीक है, तो पहले आप सीख लीजिएगा वो सरगम तीनों ऑक्टेव पे। अगर आपने नहीं है तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, बस देखिए आप इस चार्ट को देख लीजिए, ये मिडिल ऑक्टेव का सरगम बजाने का चार्ट है, आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। ये मिडिल ऑक्टेव में इस तरह से सा बजाना है, सारे गम प धनी सा, जहाँ पे पी लिखा है वहाँ पे आपको फूकना है, जहाँ पे के है वहाँ पे खींचना है। ठीक है, और माउथ ऑर्गन तो आप जानते हैं कैसे पकड़ना है, जहाँ पे मोटी आवाज़ निकलती है उसे आपको लेफ्ट साइड रखना है, जहाँ पे पतली आवाज़ निकलती है उसे राइट साइड रखना है। ठीक है, इस तरह से पकड़ के फिर आपको ये होल नंबर्स काउंट करना है। नौ नंबर होल में आप फूकेंगे तो सा निकलता है, दस नंबर होल में खींचेंगे तो रे निकलता है, ग में फूकेंगे तो सॉरी हाँ इलेवन में फूकेंगे तो ग निकलेगा, म निकलेगा बारह में खींचना है, प निकलेगा तेरह में फूकना है, ध चौदह में खींचना है, फिर आपको स्किप करना है, आपको पंद्रह नहीं बजाना है, सोलह में जाके खींचना है तो नी बजेगा, फिर आपको पी बैक आना है पंद्रह में तो फूकना है सा बजेगा। ठीक है, ये मिडिल ऑक्टेव का हो गया, लोअर ऑक्टेव का सरगम का ये चार्ट है, देखिए एक से लेकर आठ के बीच में सरगम बजता है लोअर ऑक्टेव का, वही सेम प्रिंसिपल है जो मिडिल ऑक्टेव ने बजाया आपने, वही है, देखिए सारे गम पध, उसके बाद आपको छः के बाद स्किप करना है, आठ में आपको खींचना है तो नी बजेगा, फिर बैक आके सा में, सा के लिए सेवन में फूकना है। ठीक है, ये मिडिल ऑक्टेव लोअर ऑक्टेव का हो गया, और ये हायर ऑक्टेव का है। ये मैंने सब लेसन दिया हुआ है, आप इसे देख लीजिएगा, पहला जो लेसन है मेरा यही लेसन है, देखिए हायर ऑक्टेव का सत्रह से लेकर चौबीस के बीच में सरगम बजता है, सेम प्रिंसिपल है, सारे गम प ध, ध के बाद देखिए आपको 22 में ध बज रहा है, फिर आपको स्किप करना है, 24 में जाके बजाना है, खींचना है तो नी निकलेगा, और फिर बैक आना है 23 में फूकना है तो सा निकलेगा। ये आपको तीनों ऑक्टेव में प्रैक्टिस कर लेना है, फिर आपको ये जो गाने में बता रहा हूँ ये गाने आपको प्रैक्टिस करना है, आप बजा पाएंगे। तो कुछ कुछ सिंपल गाने मैं बता दूँ जो आप ट्रेमोलो पर बजा सकते हैं। एक तो ये गाना है, तुझे देखा तो ये जाना सनम, बहुत ही पॉपुलर गाना है, आप इसे बजा सकते हैं बिना क्रोमेटिक का। ये गाना बज जाएगा। और एक गाना जो आप बहुत सिंपल है आप बजा सकते हैं, वो है आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, किशोर कुमार जी का, देखिए देखिए यहाँ पे कोई स्लाइडर की जरूरत नहीं पड़ी और बहुत सिंपल है, आप इसे बजा सकते हैं। और एक गाना मैं आपको बता दूं, बहुत ही सिंपल है, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, इसका जो मुखड़ा है आप इसे बजा सकते हैं विदाउट एनी स्लाइडर, देखिए बज जाएगा।
फिर एक गाना है बच्चों को बहुत पसंद आएगा, अपने बच्चों को आप सुना सकते हैं ये गाना, लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम दबा के दौड़ा। ये गाना बज जाएगा। जगजीत सिंह का अगर आप कोई गजल बजाना चाहते हैं माउथ ऑर्गन पे तो ये गाना बज जाएगा, होंठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। ये मुखड़ा आप आराम से बजा सकते हैं विदाउट एनी स्लाइडर। और एक गाना मैं आपको सिखा दूं जो आप बजा सकते हैं, तुम पास आए तुम मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए, अब तो मेरा दिल जागे न सोता है क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है। ये भी आप ट्रेमोलो पे बजा सकते हैं, देखिए अगर आप कुछ नए गाने बजाना चाहते हैं अरिजीत सिंह के, ये गाना बजा सकते हैं कबीर सिंह फिल्म का, दिल का दरिया बह ही गया इश्क इबादत बन ही गया, ये बजा सकते देखिए। तो देखिए तो नया गाना भी आप इसे बजा सकते हैं। अगर आप बहुत पुराने गाने जो बहुत ही अच्छे लगते हैं माउथ ऑर्गन पे, हेमंत कुमार का है अपना दिल तो आवारा, ये तो माउथ ऑर्गन गाना है, जो माउथ ऑर्गन सीखते हैं पहले यही गाना बजाते हैं, ये भी आप बजा सकते हैं देखिए। ये गाना बजा सकते हैं। अगर आप पुराना गाना एक है मेरा, जो बहुत पुराने गाने पसंद करते हैं, लता मंगेशकर जी का, मेरा दिल ये पुकारे आजा मेरे गम के सहारे आजा, भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहाँ।
जो शाहरुख खान के गाने पसंद करते हैं ज्यादा, वो एक गाना बजा सकते हैं डर फिल्म का, जादू तेरी नजर खुशबू तेरा बदन तू हाँ कर या ना कर, ठीक है। फिर आप बजा सकते हैं, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, और एक बहुत ही मस्ती वाला गाना, अच्छा गाना, सानू एक पल चैन न आवे सजना तेरे बिना, वो सजना तेरे बिना। फिर और एक गाना मैं आपको बता दूं, परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ कर, ये भी आप बजा सकते हैं ट्रेमोलो पे, इसमें भी स्लाइड की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल गाना है। तो देखिए ऐसे बहुत सारे गाने हैं, मैं ऐसे गाने बजाते जाऊंगा तो बस आधे घंटे ऐसे बजाते जाऊंगा, बहुत सारे गाने हैं। तो ये कुछ मैंने आपको एग्जांपल दिए, आप इन गानों को ट्राई कर सकते हैं। पहले आप सरगम बजा लीजिए, फिर इन गानों को ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सिंपल गाने हैं, आप विदाउट स्लाइडर प्योर नोट्स में इस गाने को बजा सकते हैं। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय बाय।